प्रधान जी आए थे उनका विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनका स्वागत करना चाहता हूँ। मेरे अपने गांव के बहुत सम्मानित नौजवान साथी और मेरी माता शक्ति, आज मैं आपके गांव में आया, आपने इतना मेरा स्वागत किया, मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। जो भाई जो युवा साथी मोटरसाइकिल काफले पे मुझे यहां तक ले गए उनका विशेष तौर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। आज हम 5 तारीख को विधानसभा का चुनाव है उसकी बात करने के लिए आपके बीच में आए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ ये चुनाव बहुत विशेष चुनाव है, ये चुनाव इस प्रदेश की दिशा और दशा को निर्धारित करेगा, इसको इसका फैसला करेगा। आप देख रहे हैं ऊपर हमारे भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और नीचे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है वो काम चलता रहे, इसलिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की बहुत जरूरत है। पिछले काफी दिनों से मेरा आपसे जुड़ाव रहा है, मैं बहुत लोगों को जानता हूं और जितने काम मुझे गांव के विकास के बताए गए हैं मैंने वो सारे करने की कोशिश की है। ये आपकी जो बड़ी है चौपाड़ ये भी सांसद जी द्वारा और हमारी बहन निर्मल चौधरी द्वारा अपना बनाई गई है और भी काम के जितने काम है वो सारे करा के देंगे। सरकार ने एक फैसला किया है, जो मेरी माताएं बहनें हैं उनको 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा और 2100 रुपये हर महीने उनके खाते में डायरेक्ट आएंगे, 2100 रुपये हर महीने। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ गैस के जो कनेक्शन देने का काम किया गया, आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया गया, सब जो मेरे गरीब भाई हैं उनको राशन कार्ड बनाने का काम किया गया, उनको राशन दिया गया, अनाज दिया गया और बीपीएल का कार्ड बनाने का काम किया गया। तो जितने काम हो सकते हैं हमने सारे किए हैं। ये सरकार दलित की, पिछड़े की और गरीब की है। यह सरकार हर गरीब आदमी का भला करना चाहती है, सरकार जो अंतिम पंक्ति में आदमी खड़े हैं उनका भला करना चाहती है, ऐसी ये सरकार है। तो आने वाली 5 तारीख को अब ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को दे, बताने को बहुत बातें हैं, बहुत गर्मी है, आप भी बहुत देर से बैठे हैं, तो मैं ये इतना निवेदन करने के लिए आया हूँ, मैं आपके काम में सम्मान में आपके काम में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। आप पिछड़े वर्ग के भाई नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। देखिए जब से नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने दिन रात काम कर रहे हैं, 1,20,000 पक्के जो कच्चे कर्मचारी थे उनको पक्के करने का काम किया। और मुझे पता है इस गांव में रोजगार की समस्या, गरीब गांव है, छोटा सा गांव है, यहाँ बहुत ज्यादा संभाल इस गांव की नहीं होती, पर मैं आपसे वादा करता हूँ पंचायत में खड़ा होकर, जनसभा में खड़ा होकर मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा, पूरा मान सम्मान करूंगा और आपके सारे काम करूंगा। जितनी काम की कसर रह गई होगी वो सारे करेंगे और मुझे ये पता है कि इस गांव में बेरोजगारी की समस्या है, उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। सरकार में गांव में बहुत कम लोग हैं तो हम बुरी कोशिश करूंगा कि 5-7 लड़के गांव में जरूर सरकारी नौकरी भी लगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।